हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई न्यूज़ क्या है पता है आपको? चलो सुनो, न्यूज़ है इंडिया पर झूठ बोलने वालों को मुस्लिम वर्ल्ड के नेता का करारा जवाब। इंडिया के लिए भिड़ गए। तो अगर याद है तो वो बता रहे थे ना कि मेरे ख्याल से सऊदी से आ रहे थे, कोई वहाँ से लीडर आने वाले थे। हाँ। मुझे लग रहा है वो आ गए हैं। अब देखते हैं क्या यूसीसी के बारे में देखते हैं। हाँ, कि वो बताने वाले थे कि कैसे वो सबके लिए अच्छा है या जो भी, मतलब वेरी नाइस। मैंने तो पहले ही कहा था सऊदी अरब के एक्सपर्ट से ही आप बात कराइए। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ जो इंडिया में बैठे हुए मौला, सो कॉल मौलाना, जहाँ पे वो रिलीजन फाउंड हुआ था, वहाँ पे जो लोग हैं दे आर द रियल एक्सपर्ट्स ऑफ द रिलीजन। बिल्कुल, उनको अपना बताने दीजिए कि उनका क्या व्यू पॉइंट है। बिल्कुल, और उससे क्या होगा, सो कॉल मौलाना इंडिया में बैठे हुए की बोलती। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम संगठनों में शामिल विश्व मुस्लिम लीग के प्रमुख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा जब भारत आए तो भारत की सभ्यता और संस्कृति को देखकर हैरान रह गए। सबसे ज्यादा उत्साहित वो इस बात से थे कि कैसे कई धर्मों का देश भारत मिलकर रह रहा है। इस्लाम के प्रति प्रोपोगंडा फैलाने वालों को वो बता रहे थे कि ये भारत वो भारत नहीं है जिसका प्रचार कुछ नकारात्मक शक्तियों द्वारा किया जाता है, बल्कि असल में बहुत अलग है। अलीसा ने कहा कि भारत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की शानदार मिसाल है। दुनिया को भारत से शांति के बारे में सीखना चाहिए। 6 दिवसीय भारत दौरे पर आए सऊदी अरब के पूर्व न्याय मंत्री और मक्का स्थित मुसलमानों के सबसे प्रभावशाली संगठन मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव अलीसा ने कहा कि भारत के मुसलमानों को भारतीय होने पर गर्व है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सह अस्तित्व का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इस्लामिक कल्चरल सेंटर के इवेंट में अलीसा के साथ भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक इवेंट के दौरान बोलते हुए अलीसा ने कहा, हम जानते हैं कि मुस्लिम भारत की विविधता का एक अहम हिस्सा है। भारत के मुस्लिमों को अपने भारतीय होने पर गर्व है। धर्म सहयोग का एक जरिया हो सकता है। हम समझ विकसित करने के लिए हर किसी से बात करने के लिए तैयार है। भारत ने मानवता के लिए बहुत कुछ किया है। भारत सह अस्तित्व का दुनिया में सबसे बेहतरीन उदाहरण है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव ने भारत के गौरवशाली इतिहास की तारीफ करते हुए कहा कि संस्कृतियों के बीच संवाद स्थापित करना समय की मांग है। उन्होंने कहा, हम भारत के इतिहास और विविधता की तारीफ करते हैं, संस्कृतियों के बीच संवाद स्थापित करना समय की मांग है। विविधता संस्कृतियों के बीच बेहतर रिश्ते कायम करती है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों से जुड़ा हुआ है। विविधता में एकता एक बेहतर रास्ता है। हिंदू समुदाय में मेरे बहुत से दोस्त हैं। उन्होंने भारत के संविधान की तारीफ करते हुए कहा कि सहिष्णुता हमारे जीवन का अंग होना चाहिए। भारत एक हिंदू बहुल राष्ट्र है, बावजूद इसके इसका संविधान धर्म निरपेक्ष है। हम धर्मों के बीच में समझ को मजबूत करना चाहते हैं। विश्व में नकारात्मक विचार फैलाए जा रहे हैं और हमें एक समान मूल्यों को मजबूत करने के लिए काम करना एक चाहिए। बता दें, मुस्लिम वर्ल्ड लीग का दुनिया भर के मुसलमानों के बीच बड़ा प्रभाव है। अलीसा भी विश्व के मुसलमानों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस के बीच ईसा का भारत आना, बड़े नेताओं से मिलना बहुत बड़ा माना जा रहा है। अलीसा के दौरे से राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। तो भाई 6 दिन के लिए आए हैं, क्या जा चुके हैं कि अभी आए हैं ये जरूर बताना। उनका जो एक्चुअल स्पीच है वो हो सकता है मोस्ट लाइकली अरेबिक में होगा। हाँ, हो सकता है। उसका ट्रांसलेशन उसी वक्त वहीं पर ही होगा, वो सुनना चाहेंगे, वो बहुत अच्छा होगा, देखना चाहेंगे कि वो क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल, सभी लोगों को देखना चाहिए कि ट्रूली उनका थॉट क्या है। बिल्कुल, और उसमें अच्छाई नजर आएगी, सच्चाई नजर आएगी, बढ़िया नजर आएगा। और यही देखना भी, उन्होंने भी यही कहा है कि उन्होंने इसीलिए वो यहाँ पे हैं लोगों को बताने के लिए कि रिफॉर्म इज़ वेरी गुड, जो तुम कर रहे हो बहुत ही अच्छी बात है, वो करना चाहिए। और मिस्टर डोवल भी स्पेसिफिकली इसमें इन्वॉल्व हुए हैं लोगों को शांत करने के लिए, कि तुम अपने एक्सपर्ट से पता करो कि एग्जैक्टली होना क्या चाहिए, ना कि जो छोटे मोटे लोग इंडिया में हो गए जिनके अपने एजेंडा हैं। कई लोग तो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एफिलिएटेड हैं, उनका अपना एजेंडा है। तो
जितने भी नीचे लोग हैं वो सारे शायद ब्रेकअप के लिए कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को तोड़ा जाए, सेपरेट किया जाए जिससे उनका फ़ायदा हो, मगर यहाँ पे एक क्लरिक आ रहे हैं जो जहाँ इस्लाम फाउंडेड था वहीं से, और वो यहाँ पे बताएंगे कि जो तुम अच्छे कार्य करना चाहते हो दैट इज़ ग्रेट। और यही जो है उन अरेबिक में बोलेंगे, देखना है कि उन्होंने बोल दिया है कि बोलेंगे। और जैसे मिस्टर डोवल के पीछे लग रहा था उनके ट्रांसलेटर बैठे हैं, और वहाँ पे उनके अलीसा के पीछे उनके जो है ट्रांसलेटर बैठे थे, क्योंकि उनके हाथ में एक कॉपी थी और पेन वगैरह था। अच्छा, मुझे नहीं पता। तो वो ट्रांसलेटर्स लग रहे थे जो हर एक के पीछे बैठे हुए थे। अच्छा वाह, पर देख लो इंडिया में हमारी गवर्नमेंट ने मूव बहुत अच्छी की है। उन्हें पहले से ही पता था कि जो गलत एलिमेंट्स हमारी कंट्री के अंदर बैठे हैं। उन्होंने तो अभी बात शुरू ही की हमने यूसीसी की, इन्होंने अब यूसीसी के नाम पे कंट्री में जो है वो कोशिश करेंगे कि वो दंगा फसाद हो या यूसीसी ना आए, लोगों को भड़काएंगे, मिस इन्फॉर्म करेंगे। और साथ में जो मौलानाज हैं और वो जो लोग हैं जिनको पुराने जो चल रहे थे उनके टाइम से ही, उससे जो उनको फ़ायदा हो रहा था दूसरों का शोषण करके, उनको तकलीफ होगी। तो ऑब्वियसली आदमी जो है मोस्टली जो होंगे जिनके जो मॉडर्न नहीं है, जो दूसरों का नहीं सोचते, उन भला नहीं सोचते, उनको तकलीफ होने वाली है। तो वो सब के लिए वो रेडी हुए और उन्होंने बैठ के मीटिंग की होगी कि भैया व्हाट इज़ द करेक्ट वे जो इनको चुप कराया जाए, इनको ठप कराया जाए, ताकि जब यूसीसी आए तो सब लोगों को समझ में आ जाए। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुलाया सऊदी से इनको, और इनको पता होगा कि किस पर्पस से और क्या है, दे मस्ट बी अवेयर। और इनकी बातें भी अभी जब आए हैं तो बहुत सारी मेरे ख्याल से मीटिंग्स भी हुई होंगी, मोदी जी से भी शायद मीटिंग हुई होगी, अजीत डोवल के साथ जो है उनके साथ भी बड़ी कोई लॉन्ग मीटिंग होके कोई डिस्कशंस भी हुई होंगी, और उनको बताया गया होगा कि क्या एम है, क्या पर्पस है, और उस हिसाब से उन्होंने बात की होगी। अब क्वेश्चन ये है कि अब भी अगर लोग ना समझें तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाए। मुझे तो लगता है समझ जाना चाहिए, एक आम इंसान जो अगर इनकी बात सुनेगा उसको समझ आ जाएगा, पर जो वाकई जो कहते हैं ना दिमाग से पैदल होगा है ही नहीं, उसको इतना रेडिकल हो चुका है कि वो तो मिसयूज़ कर रहा है रिलीजन के नाम पे, मिसयूज़ ही हो रही है, वो करेगा दंगे फसाद, या वो अभी भी खड़ा होकर बोलेगा कि नहीं करना। और कितना अच्छा बोला था उन्होंने, कहा था कि इंडिया में एक हिंदू राष्ट्र है, मेजोरिटी इज़ हिंदूज, फिर भी सब मिलजुल कर रह रहे हैं, दैट इज़ द ब्यूटी। वो हैरान हो रहे देखे कि इतना इतने सारे रिलीजन जो हैं, रिस्पेक्ट है, एक, सब एक, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है सभी रिलीजन्स की, सब अच्छे तरीके से होता है। और देखिए अब अगर कोई भी आप कह सकते हैं कि कॉमन लोकल इंसान मौलाना वगैरह कोई बोलता है, लोग बोलेंगे देखो तुम जो बोल रहे हो डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन है जो टॉप बॉस बोल रहे हैं। बिल्कुल, जहाँ फाउंड हुआ वहाँ का एक एक्सपर्ट आके जो बोल रहा है उसमें सुनते ही इतनी अच्छाई लग रही है, अच्छा लग रहा है, और तुम जो बोल रहे हो टोटली डिफरेंट, इसका तुमने अपना वर्जन बना दिया, तुम्हारा वर्जन हम क्यों फॉलो करें, हम ओरिजिनल वर्जन फॉलो करें। अब आएगा मजा, अब आएगा, अब जो है इन सबको पता लगेगा कि सऊदी अरब वाले भाई सब एग्री नहीं करते आपसे, वो कहते हैं हमारा रिलीजन तो जो फाउंडेड था वो तो ये था, तुमने पूरा चेंज कर करके क्या बना दिया उसको। तो अब ये कॉन्ट्रोवर्सी आएगी, बट होप यही है कि सभी लोग ओरिजिनल सुने और कहें, और अजीत डोवल जी को जो है ये मिशन दिया गया लग रहा है। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, और अगर आपने वो स्पीच सुनी है तो जरूर बताना कैसी लगी। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।